बिस्मिल्लर असल रबरकै नहार पानी पीना हज़रत अबू सद खुदरी रज़ीलों से रिवायत है कि नबी करीम वसल्लम ने इर्शाद फरमाया कि जिसने नहार पानी पिया उसकी ताकत कम हो जाएगी इमाम शाफी रहमत फरमाते हैं कि चार चीज़ें बदन को मज़बूत बना देती हैं गोश्त खाना खुशबू लगाना कसरत से नहाना सूती लिबास पहनना और चार चीज़ें बदन को लागर और बीमार कर देती हैं उनमें से तीन ये हैं नहारूँ पानी पीना तरश चीज़ें खाना फिक्र और गम ज़्यादा करना हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रमत अलैह बती जेवर में लिखते हैं कि सुबह को फौरन पानी ना पियो और यक लख्त हवा में ना निकलो अगर बहुत ही प्यास है तो उम्दा तदबीर यह है कि नाक पकड़ कर पानी पियो और एक एक घूंट करके पियो और पानी पीकर जरा देर नाक पकड़े रहो इस दौरान सांस नाक से मत लो इसी तरह गर्मी में चल कर फौरन पानी मत पियो खास तौर पर जिसको लू लगी हो वो अगर फौरन बहुत सा पानी पी ले तो उसी वक्त मर जाता है इसी तरह नहार मुँह ना पानी पिया जाए और बैतुल बैतुलखला से निकलकर फौरन पानी नहीं पीना चाहिए जदीद तहकीक के मुताबिक नहार मुँह पानी पीना जोड़ों के दर्द का बाइस होता है बरतानिया और अमेरिका में घुटनों के मरीजों को नहार मुँह पानी पीने से मना कर दिया जाता है आज से तकरीबन पैंतीस साल पहले नहार मुँह पानी पीने के फ़वाद इस कदर बयान किए गए थे कि लातादाद लोग नहार मुँह पानी पीने के आदि बन गए थे और बहुत से लोग तो उसे सुन्नत भी कहने लगे हैं मेरा ख्याल ये है कि मुसलमानों में नहार मुँह पानी पीने की तरगीब एक सोचे समझे मंसूबे के तहत दी गई है ताकि मुसलमानों की ताकत कमज़ोर हो जाए आप तजर्बा करके देख लें कि मुबारक में अफ्तारी के वक्त कुछ ना खाएं और सिर्फ दो गिलास पानी पी लें आपकी टांगें तरावी में खड़े होने से आजिज़ आ जाएंगी नहार मुँह पानी बराह रात दिल पर असर अंदाज होता है और मेदे को ठंडा कर देता है इस बात पर इत्तेबा का इत्तेफाक है कि वो दर्ज झैल मौक़ों पर पानी नहीं पीना चाहिए नींद से बेदार होकर पानी यानी पानी नहीं पीना चाहिए बैतुलखला से फरागत के फ़ौर बाद पेशाब या पखाना गसल खाने के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए मुशक्क़त के बाद सफ़र वर्जिश भाग दौड़ मेहनत मजदूरी वगैरह के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए रात को सोने से पहले यानी पानी पीते ही सोने के लिए ना लेट जाएँ पानी कम या ज्यादा पीने के बारे में उनका कहना है कि सेहतमंद आदमी को एतदाल से काम लेना चाहिए और बीमार आदमी को अपने तबीब के मशवरे पर अमल करना चाहिए बोअली सीना का फरमान है ठंडा पानी अगर आपको जवानी में बीमार ना करे तो जवानी के बाद आपको सख्त तरीन बीमार कर देगा ठंडा पानी दिल की चार रगों को जोड़ देता है दिल की असली रग को भी बंद कर देता है हार्ट अटैक का सबब बनता है अक्सर जवानी में हार्ट अटैक ठंडे मशरूबा के सबब बनते हैं ठंडा पानी जिगर की नाबूदी का सबब बनता है चर्बी इससे चेक चिपक जाती है वो लोग जो जिगर ट्रांसप्लांट के मुंतज़र हैं इसका असली सबब यही ठंडा पानी है दरअसल ठंडा पानी मेदे के अंदरूनी पर्दों को मुतासर करता है और शुगर का सबब भी बनता है ठंडा पानी मैदे और बड़ी आंत को नुकसान पहुंचाकर कर कैंसर का सबब भी बनता है इतबा की तहकीक है कि जमा यानी हम बिस्तरी के फ़ौर बाद पानी नहीं पीना चाहिए ऐसा करने से तनफुस यानी दमा का मर्ज पैदा हो जाता है इसलिए मैदा पुर होने की हालत में जमा करने को मना किया गया है क्योंकि जब मैदा पुर होता है तो जमा की हरारत से खुशकी पैदा होती है और प्यास का गलबा होता है पानी का ज़्यादा इस्तेमाल अच्छी सेहत के साथ याददाश्त तेज़ करने में भी मदद देता है अमेरिका में पानी के फवाद पर की जाने वाली तहकीक के मुताबिक पानी का जायद इस्तेमाल सिर्फ जल्द की तरोताजगी और शादाबी का जामिन नहीं बल्कि इससे जहन भी तेज होता है पानी इंसानी जहन और जिस्मानी जिसमानी नशोनमा में भी कलीदी हैसियत का हामिल है माहरीन का कहना है कि इंसानी दिमाग का सिक्सटी परसेंट हिस्सा पानी से बना हुआ है इसलिए पानी का ज्यादा इस्तेमाल जहन को तोाना रखने में भी अहम किरदार अदा करता है ज़्यादा पानी पीने से जिसम में नमकियात की कमी नहीं होती और जहनी कमज़ोरियों से भी निजात मिलती है पानी पीने के इस्लामी तरीक़ा से मौजूदा साइंसी तहकीक ने भी इतफाक़ किया है कि पानी बैठ कर पिया जाए तो जिसम की हाजत के मुताबिक पानी जिसम में जाता है जबकि खड़े होकर पानी से जिसम की ज़रूरियात से ज़्यादा पानी जिसम में चला जाता है